पटना में सीसीटीवी कैमरे के कारण वाहन चालकों को जुर्माने का शिकार होना पड़ रहा है। यातायात विभाग में लगभग 3 महीने में 35 करोड़ जुर्माना लगाया गया है, जिसमें लगभग 9 करोड़ रुपए वसूले भी जा चुके हैं। ऐसे में अब राजधानी वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि बिना ISI मार्क वाले हेलमेट पहनकर राजधानी में दोपहिया चलाने पर उनका फाइन 1000 रुपए का काट दिया जाएगा। इस मामले की जानकारी देते हुए ट्रैफिक SP पूरन झा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना ISI मार्क के हेलमेट पहनकर सड़क पर गाड़ी चलाएंगे तो उनको 1000 का चालान काट दिया जाएगा। दुकानदार अगर बिना ISI मार्क के हेलमेट को बेचेंगे तो उन सभी दुकानदारों पर भी कार्रवाई कर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि पटना में ज्यादातर लोग सस्ते हेलमेट खरीदने के चक्कर में फुटपाथ पर लगाई गई दुकान से ही हेलमेट खरीदते हैं। ऐसे में अब अगर वो पकड़े जाते हैं तो हेलमेट जांच के बाद इसी मार्क का नहीं पाया जाएगा तो उनको 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। बाइक और फोर व्हीलर की संख्या में आपको अलग से बताऊंगा। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ विशेष ड्राइव चलाए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग इंश्योरेंस के बिना जो गाड़ियां चल रही हैं उन पे फाइन किया है, ब्लैक फिल्म के बिना जो गाड़ियां हैं उन पे फाइन किया है, जुगाड़ गाड़ियां जो चलाई जा रही हैं उन पे फाइन किया है, नो पार्किंग के लिए भी हम लोग फाइन कर रहे हैं। जुगाड़ गाड़ी पे कितने फाइन किए गए हैं? जुगाड़ गाड़ी पे 48 जुगाड़ गाड़ियां हम लोगों ने अभी तक जब्त की हैं और आज का आंकड़ा भी चालू है। ये धड़क पटना की सड़कों पर जुगाड़ गाड़ियां चलती हैं, किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है कि वो ज्यादा प्रदूषण न फैलाए और शहर में तरीके से ना चले? जुगाड़ गाड़ी चलना अलाउड ही नहीं है क्योंकि वो गाड़ी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने जुगाड़ गाड़ी पे जो अभियान चलाया है आपको उनकी संख्या में अब शहर में कमी देखें। सर, एक बत्ती लगाकर गाड़ियां जो है वो चलाया जाता है, उसको लेकर क्या अभियान चलाया? जी, आज ये बात मेरे संज्ञान में आई है। इसके लिए मैंने DSP 2 श्री अनिल जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है। कल से ये लोग रात में उस एरिया में विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्या आम पब्लिक पुलिस का जो समय लगा के चलते हैं वो अलाउड है? जी, वापस पूछिएगा। जो आम पब्लिक लोग पुलिस का सायरन लगाकर चलती है उन लोगों का अलाउड है? जी बिल्कुल अलाउड नहीं है, गाड़ी में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। तो क्या यहाँ से लगाया जाता है उसको भी पकड़ेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई हम लोग परिवहन विभाग के साथ मिलकर के करेंगे। गाड़ियों पे जो मॉडिफिकेशन किया जाता है उसके लिए परिवहन विभाग और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से मिलकर के कार्रवाई करेगी। दुकानदार धड़क्के से विदाउट ISI मार्क वाले हेलमेट को बेच रहे हैं अभी लगातार। शुरुआत में हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में प्रमोट किया था कि सभी लोग हेलमेट का प्रयोग करें। जैसा कि अब देखने में आ रहा है, बाइक पर 2 ही लोग बैठ रहे हैं और दोनों लोग आगे चलाने वाले हैं, पीछे बैठी हुई सवारी हो, दोनों लोग हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेज में हम लोग आ रहे हैं कि सभी लोग ISI मार्क हेलमेट का प्रयोग करें। इसके अंतर्गत 182A3 के तहत ट्रांसपोर्ट एवं पुलिस विभाग संयुक्त रूप से छापेमारी ऐसे दुकान वालों के विरुद्ध कर सकता है एवं ऐसे चालक या पीछे बैठी हुई सवारी जिन्होंने ISI मार्क हेलमेट नहीं लगाया गया है उन पर 194D के तहत फाइन किया जा सकता है। अभियान कब से चलेगा सर? यह अभियान हम लोगों ने पब्लिक को जागरूक करने के लिए आज और कल मीडिया के माध्यम से दिया है एवं सोमवार से हम लोग इस पर कार्यवाही करेंगे। पटना में अब गाड़ी चलाने वाले लोगों को सावधान होना पड़ेगा, खास करके दोपहिया वाहन वालों को। CCTV कैमरे के कारण कई लोगों को चालान उनके मोबाइल पर तो आ ही जा रहे थे, अब नए नियम में जो हेलमेट पहनकर गाड़ी चला भी रहे हैं उनको भी चालान मिलने की संभावना बढ़ गई है। कारण है कि अब जो हेलमेट पहनते हैं अगर वह हेलमेट ISI द्वारा प्रमाणित नहीं होगा तो उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद उनको ISI का हेलमेट नहीं रहने पर 1000 का चालान काट दिया जाएगा। अब देखना होगा कि पटना जैसे शहरों में जहां फुटपाथ पर कई ऐसे दुकानदार हैं जो लोकल हेलमेट पहनते हैं, जल्दबाजी में जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वह हेलमेट तो खरीद लेते हैं, लेकिन नए नियम में अगर वह हेलमेट बेचने वाला ISI का हेलमेट नहीं बेचता है तो हेलमेट पहनने वाले को तो चालान मिलेगा ही साथ उस दुकानदार पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। पटना से पंजाब के CCTV के लिए संजीव की रिपोर्ट।